नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जयजयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। हाथरस हादसे के 4 दिन बाद पहली बार मीडिया के सामने आया बाबा, बोला हादसे को लेकर बहुत दुखी हूं। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। बीते मंगलवार को हाथरस में हुए सत्संग में मची भगदड़ से 121 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग घायल हैं जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। हाथरस कांड में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन बाबा पर कोई केस दर्ज नहीं किया गया है, बल्कि सत्संग का अहम किरदार भोले बाबा ही थे। हालांकि पुलिस ने बाबा के कई आश्रम पर छापेमारी भी की। बता दें कि हादसे के बाद से बाबा गायब थे, जिनको लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन अब हादसे के बाद सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा सामने आया है। जी हाँ, 4 दिन बाद बाबा मीडिया के सामने आया तो वो दुखी हो गया। लेकिन सवाल ये कि क्या बाबा दबाव की वजह से, डर की वजह से सामने आया है? वरना 4 दिन तक उसने अपने भक्तों की मौत पर मुंह तक नहीं खोला था। लेकिन जब बाबा को लेकर प्रशासन पर, सरकार पर, पुलिस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे कि पुलिस प्रशासन बाबा को खोज नहीं पा रही, बाबा को बचाया जा रहा है, तो 4 दिन बाद मीडिया के सामने बाबा को आना ही पड़ा। अब उसने कहा क्या, वो भी आपको बताते हैं। जी हाँ, बता दें कि हाथरस में 121 लोगों की मौत के बाद से फरार चल रहे सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार विश्वहरि ने पहली बार मीडिया के सामने आकर अपना बयान दिया है। उसने कहा कि हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत व्यथित थे। बाबा ने कहा कि प्रभु हमें दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दे। सभी शासन प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें, हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। बाबा ने कहा कि हमने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से यह प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत मन और धन से खड़ा रहने का आग्रह किया। इसको सभी ने माना भी है और सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महाबान का सहारा ना छोड़े, वर्तमान समय में वही माध्यम है। ये सब बातें बाबा के मुंह से जरा आप भी सुने कि बाबा क्या कुछ कह रहे हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जयजयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें, हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन मन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है। सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की
संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। तो सुना आपने, पहली बार बाबा जब मीडिया के सामने आया तो वो दुखी हो गया, लेकिन अब दुखी होने से क्या ही फायदा। जब आपके भक्त तड़प रहे थे, मर रहे थे, तो आप अपनी लग्जरी गाड़ी से निकल लिए थे। चार दिनों तक आपने अपने भक्तों की मौत पर मुंह तक नहीं खोला। जो घायल हैं, जी हाँ, उनसे आप मिलने तक नहीं गए। पीड़ित परिवारों का हाल तक आपने नहीं जाना, तो आप कैसे बाबा। हाथरस में बीते मंगलवार को जो भगदड़ हुई उसमें 121 लोगों की जाने चली गई थी। पुलिस प्रचारकर्ता बाबा सूरजपाल के सेवादारों और सत्संग के आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही। 6 लोग पहले ही पकड़े जा चुके हैं। अभी तक मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर जो फरार था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हादसे को लेकर जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक SIT का गठन किया है, जिसने इस मामले में अब तक 90 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। ये जानकारी खुद SIT में शामिल आगरा जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने दी है। वहीं आपको बता दें कि भगदड़ के मामले में पुलिस ने कार्यक्रम के मुख्य आयोजक देवप्रकाश मधुकर को भी गिरफ्तार कर लिया है। देवप्रकाश मधुकर पर पुलिस ने 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इसके अलावा मामले पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने अब तक 2 महिलाओं सहित 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया है। वहीं 20 से अधिक लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। बाबा के वकील AP सिंह ने मधुकर की गिरफ्तारी पर क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुनिए। हाथरस प्रकरण में जो FIR में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, आज हमने पुलिस को, SIT को और STF को यहाँ दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। ये मेरा वादा था कि हम कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाएंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे और हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने किया क्या, हमारा अपराध क्या है। वो इंजीनियर है, हार्ट पेशेंट थे, डॉक्टरों ने कहा ठीक अब थोड़ी सी स्थित है, हमने बिना किसी देर लगाए, लोग कहते अगले दिन, हमने आज वादा किया था, आज आप लोगों से कहा था कि हम देव प्रकाश मधुकर को सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, जांच में भाग लें। हमने उनको सौंप दिया है SIT को और उत्तर प्रदेश पुलिस को, अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें, अब ये उनकी अपनी इच्छा है। हाँ, उनका स्वास्थ्य ध्यान रखा जाए, हार्ट पेशेंट है, कोई चीज उनके साथ गलत ना हो, ये मेरा कह, इसीलिए मैंने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, मैंने कहीं एप्लीकेशन नहीं लगाई, कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई, जिससे कि ये माना जाता है कि हम बचना चाहते हैं, हम छुपना चाहते हैं, हम अपने को डर रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारी बहनें, हमारे लोग मारे गए, इसलिए मैं आपको, मीडिया ने हमारा जो सहयोग किया, हमारा साथ दिया, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं और हम ये बात आपको बता रहे हैं और आपसे शेयर कर रहे हैं, जिससे कोई कंट्रोवर्सी ना करे, कहे कि कहाँ है, क्या है, भाग गए हैं, नहीं भाग गए, कहीं भागे नहीं थे, कहीं नहीं गए थे, अच्छा इलाज कराने के लिए आए, अब स्थिति स्टेबल है, खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी उनका इलाज कराया जाए और हमने वेद प्रकाश मधुकर को उन्हें STF और उत्तर प्रदेश पुलिस को बता के, बुला के सौंप दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई इनाम वाली बात हो, कोई किसी में बाधा हो, जिससे बाद में लोग कोई इनाम की बात कहें, कोई कुछ कहें, अब उनसे पूछताछ हो ले और गहन पूछताछ जिस तरह से करनी है और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में भी मधुकर बताएंगे और जानकारी देंगे। तो सुना आपने, अब बाबा मीडिया के सामने आया और उसने कहा कि जो भी घटना हुई 2 तारीख को, उस घटना से वो बहुत ही ज्यादा दुखी है। वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM।